हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैल एसीसी। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो आज मैं अपने पुराने लैंप को बनाने वाला हूँ नया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने लैंप शेड को निकाल लेता हूँ, जो कि काफ़ी फेड हो चुका है, पुराना हो चुका है। तो अभी इसको मैं बनाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ फैब्रिक कलर। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ड्रॉ करूँगा ब्लैक से। तो पूरी तरह इसको पूरा ब्लैक कर लेंगे। ये पूरा ब्लैक हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर ड्राई करने के लिए रख देता हूँ मैं। और ये ड्राई होने के बाद कुछ ऐसा हो चुका है, और इसमें मैंने पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है जो मुझे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा फैब्रिक कलर। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं फ्लावर बनाने के लिए वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सारे फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे। इसको बनाने से पहले मैंने पेंसिल का यूज़ किया है, पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है मैंने। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप लोग बना भी लेंगे। तो आपके पास भी अगर कोई लैम्प शेड है पुराना और आप उसे नया लुक देना चाहते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं येलो कलर भी इसके हाफ पोर्शन पे येलो भी कर रहा हूँ और थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके लीव्स बना लेता हूँ। तो बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये कमेंट्स कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो और ये दूसरी तरफ भी मैं सेम फ्लावर बनाऊंगा, सेम वही डिज़ाइन है, सेम उसी तरीके से ये फ्लावर ड्रॉ कर लेंगे इस तरफ भी। इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने थ्री साइड फ्लावर बनाया है। तो देखने में कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।